के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दो दिवसीय दौरे पर 31 जुलाई को अपने गृह जनपद पहुंचेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। स्थलीय निरीक्षण कर लेंगे प्रगति का जायजा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थलों का डीएम व एसएसपी ने किया स्थलीय निरीक्षण, लिया तैयारियों का जायजा। डीएम ने बताया 31 जुलाई को गोरखपुर आएंगे सीएम योगी, करेंगे विभिन्न विकास कार्यों का शिरकत, सुरक्षा की है चाक चौबंद व्यवस्था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान की प्रमुख सचिव चिकित्सा ने की समीक्षा, अभियान को चलाने के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। कमिश्नर जयंत नालिकर की अध्यक्षता में जीडीए बोर्ड की बैठक हुई संपन्न। अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति एवं महायोजना को जल्द से जल्द पूर्ण करने के दिए निर्देश। वाहन चोरों के शातिर गैंग पर गुलरिया पुलिस ने कसा शिकंजा, 3 बाल अपचारी समेत 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चोरी की 6 बाइक बरामद, एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने किया खुलासा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक, नियम विरुद्ध चलने वाले वाहनों के परमिट को निरस्त करने के दिए निर्देश। जाति एवं आय प्रमाण पत्रों व अन्य ऑनलाइन प्रमाण पत्र लेने के लिए सर्वर की समस्या से जूझते रहे लोग, एनआईसी प्रभारी ने कहा सर्वर में नहीं है कोई दिक्कत। मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर संस्कार भारती ने मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का वर्तमान में प्रासंगिकता विषय पर आयोजित की संगोष्ठी, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। हुंडई i10 कार के साथ जहर कुरान हुए गिरफ्तार, बेनीपाल पुलिस ने महिला के साथ एक पुरुष को किया गिरफ्तार, नशीली गोलियां की बरामद, सीओ बांसगांव नितेश सिंह ने दी जानकारी। प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर इप्टा गोरखपुर द्वारा नाट्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कलाकारों ने प्रेमचंद द्वारा लिखित चमत्कार कहानी की नाट्य प्रस्तुति। बिहार का शातिर बदमाश गुर्गे के साथ करता था चोरी, शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीओ गोरखनाथ परवीर सिंह ने किया मामले का खुलासा। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारी बैठक, सभी सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर प्रातः 8 बजे झंडारोहण करने के दिए निर्देश। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर सिंधी समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन, निकाला जुलूस, सिंधी समाज के 2 युवाओं के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। प्रधान डाकघर में गंगाजल वाटर पर डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण विशेष निरूपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, मांग को देखते हुए डाक विभाग ने गंगाजल को घर घर पहुंचाने की शुरू पहल। मुंशी प्रेमचंद की जयंती की पूर्व संध्या पर छात्राओं द्वारा आयोजित हुआ कार्यक्रम, नाट रूपांतरण के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। और छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग को शांति सशक्तिकरण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कमिश्नर को प्रेषित किया ज्ञापन, कॉलेज प्रशासन पर प्रायोगिक परीक्षाओं में रोके जाने से लगाया आरोप।